पहला संस्कार कौन सा है जी? गर्भाधान संस्कार। कैसी आपको संतान चाहिए? भगवान कृष्ण के जीवन को देखो। जब मां रुक्मणी ने कहा कि पतिदेव हम गृहस्थी हैं, अब हमको संतान चाहिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी कैसी संतान चाहिए आपको? तो माता रुक्मणी कहती है आप जैसी चाहिए। आपने तो भगवान कृष्ण को काला खलूटा बना दिया, लेकिन कृष्ण बड़े हैंडसम थे, बड़े स्मार्ट थे। और उस समय इतिहास बताता, आपकी महाभारत बता रही है कि धरती पर कृष्ण के समय कृष्ण जैसा कोई नीतिमान नहीं था, कृष्ण जैसा कोई गुणवान नहीं था, कृष्ण जैसा कोई सुंदर नहीं था, कृष्ण जैसा कोई विद्वान नहीं था और कृष्ण जैसा कोई बलवान नहीं था। ये आपकी महाभारत बता रही है। तो माता रुक्मणी क्या कहेगी? कहती पतिदेव आप जैसी संतान चाहिए, आपसे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी यदि मेरी जैसी संतान चाहिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। बोले अच्छा, देखो 48 साल की अवस्था में तो विवाह हुआ है और विवाह के बाद दोनों का कोई संपर्क नहीं। जब संतान की बात आई तो भगवान कृष्ण कहते हैं तपस्या करनी पड़ेगी। तो मां रुक्मणी कहती है बिल्कुल हम तपस्या करेंगे। 12 साल तक बद्री धाम में जाकर के कंद मूल फल खा करके दोनों पति पत्नियों ने तपस्या की और उस तपस्या के बाद में एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम था प्रद्युम्न। और इतिहासकार लिखते हैं कि प्रद्युम्न भगवान कृष्ण की बिल्कुल टू कॉपी थे। कभी कभी लोग पहचान नहीं पाते थे प्रद्युम्न है या कृष्ण है। राज दरबार में जब प्रद्युम्न जी जाते थे तो लोग समझते थे कृष्ण जी जा रहे हैं, तो लोग खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी कहते थे मैं तो प्रद्युम्न हूं, पिताजी तो पीछे आ रहे हैं, बैठ जाओ। और कभी कभी भगवान कृष्ण जाते थे तो लोग समझते थे प्रद्युम्न आया है, कृष्ण जी नहीं आए, वो बैठे रहते थे। भगवान कृष्ण कहते थे भले आदमी तुम सारी मर्यादा भी भूल गए, खड़े भी नहीं होते हो। लोगों ने कहा प्रभु हमसे बड़ा पाप हो जाता है, हम दोनों में पहचान नहीं कर पाते। आप कुछ ऐसा अपना परिधान में लगाइए अलग से पृथक से जिससे पिता पुत्र में भेद हो सके। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का पंख लगाना शुरू किया। ये आदर्श है आपका कृष्ण का, ये आदर्श है गृहस्थ का। यानी भगवान कृष्ण स्वयं तपस्या करते हैं, माता रुक्मणी स्वयं तपस्या करती है, तब एक संतान को पैदा करते हैं। अगर हम आज भी तपस्या करने लग जाएं, तो देखो संतान, दिव्य संतान आपके घर के आंगन के अंदर भी जन्म लेगी। ये पक्की बात है, ऋषियों की बात है। अच्छा, दूसरा संस्कार कौन सा है जी? बोलो कौन सा संस्कार है? पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। संस्कार विधि पढ़ देना, मैं पूरे संस्कारों की व्याख्या आपके बीच में नहीं कर पाऊंगा। मैं तो केवल आपके अंदर एक भूख जगाना चाहता हूं, आपको पता चले कि हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है संतान के निर्माण की, लेकिन उस टेक्नोलॉजी पर हमने ध्यान नहीं दिया, अन्य चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अरे जिसके लिए ये सब कुछ चीज बन रही है उस पर भी ध्यान दो, इंसान के निर्माण पर। जब तक इंसान का निर्माण नहीं होगा ना, तब तक दुनिया का निर्माण बेकार है। कभी दुनिया तभी बनेगी जब इंसान का निर्माण होगा। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। और आप जानते हैं पुंसवन संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार, बच्चा गर्भ के अंदर आया। अब ऋषि लोग चिंतन दे रहे हैं कि आपको गर्भ के अंदर बच्चा तो आ गया, फिर बच्चा कैसा चाहिए आपको? बलिष्ठ चाहिए, कमजोर चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए? तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारी संतान कमजोर बने, वो चाहते हैं कि हमारी संतान निरोग हो, बलवान बने। इसके लिए ऋषि ने दूसरा संस्कार दिया जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। ये बच्चे की शारीरिक पुष्टि के लिए किया जाता है। अच्छा, बच्चा यदि शरीर से तंदुरुस्त पैदा हो लेकिन बुद्धि से बिल्कुल बेवकूफ पैदा हो जाए तो बच्चा किस काम का? तो जहां पर ऋषि लोगों ने तन की पुष्टि पर ध्यान दिया है वहां पर बुद्धि की समृद्धि का भी ध्यान दिया है। और फिर जो तीसरा संस्कार होता है उसको कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार बच्चे की बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। ध्यान रखना, बच्चे की बुद्धि की क्षमता क्या दिव्य बन जाती है। अब तन से भी बच्चा ठीक पैदा होगा, मन से और बुद्धि से भी ठीक पैदा होगा। अरे कमी कहां रह गई? अब तीन संस्कार आपने, बच्चे जब माँ के गर्भ में था, तीन संस्कार तो माँ के गर्भ में रहते रहते हो जाते हैं, लेकिन कभी हमने उन संस्कारों की परिपाटी पर ध्यान नहीं दिया है। चौथा संस्कार क्या नाम है चौथे संस्कार का? वो संस्कार होता तो है आजकल, लेकिन उसका ठिकाना बदल गया और उसका नाम बदल गया। ऋषि कहते हैं उसका नाम है जात कर्म संस्कार। जात कर्म का मतलब है जब बच्चा जात यानी पैदा हो उस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, ये ऋषि हमको बता रहे हैं। लेकिन आजकल बोलते हैं उसको डिलीवरी। और कहां होती है? हॉस्पिटल में होती है। पहले घर में होता था, संस्कार होता था विधि बल इसका। अच्छा, अभी मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा था जात कर्म संस्कार। देखो कितना महत्वपूर्ण संस्कार है। और आपको चिंतन इस बात का करना है कि अभी बच्चा केवल पैदा हुआ है, माँ के गर्भ से संतान बाहर निकली है, और बाहर निकलते ही
कितना बड़ा दायित्व तो पिता के कंधों पर आया और पिता ने नामकरण संस्कार के अंदर बच्चे को इस धरती पर आने का टारगेट दिया, उसको जीवन का उद्देश्य बताया। ऋषि दयानंद लिखते हैं संस्कार जो होता है जात कर्म संस्कार, दो कर्म बहुत विशेष होते हैं इसमें। पहला कर्म क्या है? पहला कर्म यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पिता बच्चे के कान में एक बात कहता है, तुम वेदो वसी। इसका मतलब होता है कि तू वेद है, तेरा जीवन वेद के लिए है। तुझको पढ़ना क्या है? वेद। तुझको जानना क्या है? वेद। तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? वेद। आज तो हम वेद से बिल्कुल अनजाने हो गए, वेद के नाम तक हमको नहीं पता, वेद के मंत्र तक हमारे बच्चों को याद नहीं है। लेकिन पहले आर्यावर्त देश की मैं परंपरा आपको बता रहा हूं कि जब बच्चा पैदा होता था तो पिता सबसे पहले उसके कान में यह कहता था, तुम वेदवसी बेटे, तेरे जीवन का उद्देश्य वेद को जानना है। ये डॉक्टर इंजीनियर बनना, आईएएस आईपीएस बनना, ये तो सब पेट भरने के सौदे हैं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो दरिद्रता से बचने के लिए ये विद्या भी आपको आनी चाहिए, वेद इसको अविद्या कहता है, ये भी जरूरी है। लेकिन ये सब इस भौतिक पदार्थ है, भौतिक विद्या है, इससे तुम्हारा जीवन सांसारिक जीवन सुखमय बन सकता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन को संवारने के लिए, लोक और परलोक के संवारने के लिए वेद की शरण में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए पिता कहता था तुम वेदोवसी। और दूसरा काम करता था, जब बच्चा पैदा होता था तो पिता बच्चे की जिव्या पर शहद लेकर के और सोने की शलाका लेकर के ओम लिखता था, ओम। कितना बड़ा रहस्य है। आयुर्वेद इस बात को कहता है, आश्वलायन ग्रह सूत्र इस बात को कहता है कि जब बच्चा पैदा हो तो शहद और सोना यदि बच्चे की जिव्या से स्पर्श करा दिया जाए तो दो रोग बच्चे के जीवन में कभी नहीं आ सकते। एक रोग है तुतलाना और दूसरा रोग है हकलाना। बच्चे के जीवन में कभी तुतलाट नहीं आ सकती, कभी हकलाट नहीं आ सकती, बच्चे का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। ये कितना बड़ा विज्ञान है। और फिर क्या लिखा? ओम लिखा। अब ये भी चिंतन वाली बात है, ओम लिखते हैं। अच्छा, ओम क्यों लिखते हैं जी? अरे भाई, दादा परदादा का नाम लिख दो, दादा का नाम लिख दो कि उसका पोता पैदा हो गया। लेकिन कोई दादा का नाम नहीं लिखता, सारे के सारे ओम लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे को बचपन में एक शिक्षा देगी, बेटा तुमको बनाने वाला कौन है, तुमको पैदा करने वाला कौन है? अरे माँ बाप नहीं है पैदा करने वाले। माँ बाप होते तो माँ बाप अपने हिसाब से पैदा करते, भाई करो कैसा चाहिए आप। लेकिन हम सभी को पैदा करने वाला वो भगवत तत्व ओम है, ओंकार है। उसकी जिव्या पर लिखा ओम, कान में क्या बोला? वेद। अच्छा, जो सुनेगा वही तो बोलेगा, जो सुनेगा वही जिव्या से बोलेगा। वेद को पढ़ेगा, वेद को सुनेगा तो वाणी से क्या निकलेगा? ओम निकलेगा। और जिसने वेद को जाना नहीं, वेद को पढ़ा नहीं, और मरते समय से ओम निकलवाते, बोले ओम बुलवाओ, ओम बुलवाओ, अरे कहां से ओम निकल जाएगा भाई? ये तो प्रक्रिया है। जो सुनेगा वही बोलेगा। जो बच्चा बचपन से बहरा हो वो जीवन भर गूंगा रहेगा, कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि सुनकर के तो बोलना हम प्रारंभ करते हैं। अगर हम सुन नहीं सकते तो बोलेंगे क्या खाक। इसलिए ऋषि ने कहा कि भाई वेद को सुनाओ, वेद का मंत्र सुनेगा तो वाणी से ओम निकलेगा। मरते समय गीता के श्लोक सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको। ये जीवन की साधना है। ये संस्कार कौन सा हुआ जी? ये है जात कर्म संस्कार। और जिन जिन संस्कारों का मैं नाम आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, ऋषि ने पूरा प्रावधान दिया है कि उसने समय का बच्चा हो जाए तो बच्चे के साथ में कैसा बर्ताव करें, बच्चे को क्या बोले। पहली स्थान है माँ का गर्भ, और दूसरा है गर्भ के बाद में आता है गोद। अब बच्चा जब बाहर आ गया, माँ के गर्भ से बाहर निकला, तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए उसे? अगर आपके घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे के जीवन में बहुत अच्छे सदविचार, शुभ संस्कार बच्चे के जीवन में आएंगे। आपके घर में संध्या होती है, आपके घर में यज्ञ होता है, आपके घर में सेवा परोपकार के संस्कार हैं, आपके घर में बढ़िया एक आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है, तो इस प्रभाव का, इस माहौल का प्रभाव सीधा बच्चे के जीवन में देखने को आपको मिलेगा। इसलिए अपने घर के अंदर सात्विकता पैदा करो। ये उल जुलूल जो चीजें चल रही है ना, डीजे वीजे बज रहे हैं, कोई गंदे गंदे गाने सुन रहे हैं, मोबाइलों में बिजी है, अरे इन चीजों को सुनोगे देखोगे तो इसके घर के, इन सारी चीजों से घर का माहौल सात्विक नहीं हो सकता। छोड़ो इन सारी चीजों को, वेद का पाठ सुनो। आप वेद नहीं जान सकते, आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा हुआ है। अरे तुम जो गंदे गंदे गाने सुनते हो, बच्चे सुनते हैं, अपने घर में वेद की ऋचाएं सुनाइए अपने बच्चों को, अच्छे अच्छे भजन सुनाइए अपने बच्चों को, अच्छे प्रवचन सुनाइए अपने बच्चों को। यदि समय मिले मोबाइल चलाने का तो ऊटपटांग चीज इस पर नहीं सुनी जाए, नहीं देखी जाए, बल्कि वेद के मंत्र सुने जाए, विद्वान भजनोपदेशकों के सुंदर सुंदर भजन सुने जाएं, अच्छे प्रवचन सुने जाएं। ये मोबाइल का सार्थक सदुपयोग है, और इसमें व्यर्थक में समय खराब करते रहो, क्या फायदा है इसका। मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो बच्चे वैसे बन जाएंगे, बशर्ते हमको खुद भी वैसा बनना पड़ेगा।
यदि हम खुद बनने के लिए अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपकी संतान योग्य नहीं बन सकती, आप संतान को वैसा नहीं बना सकते, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। एक जगह में गया, यानी माँ बाप यदि सुबह जल्दी जगेंगे तो बच्चे भी जल्दी जगेंगे, सीधी सी बात है। घर के अंदर आपके यहाँ परंपरा पड़ी हुई है कि पहले जगते ही छोटे लोग बड़े के पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे, तो आपके बच्चे भी देखेंगे तो आपके बच्चे भी देख करके उसी काम को करना शुरू कर देंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो आप भी अपने घर में अपने बड़े लोगों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, आपको देख करके आपका बच्चा भी वैसा करना शुरू करेगा। आप चाहते हैं कि बच्चे आपके जल्दी जगे तो आप भी घर में जल्दी जा करके बच्चों को समय पर जगाना शुरू कर दीजिए, आपका बच्चा भी जल्दी जगना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संध्या करे यज्ञ करे तो आप अपने घर में संध्या यज्ञ करना शुरू करो। ऐसे कितने सारे उदाहरण मेरे सामने हैं। मेरे से लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारे बच्चों का तो खेलने का सिस्टम ही दूसरा है, आपके बच्चे और आइटमों से खेलते हैं। लेकिन एक सज्जन मुझे कह रहे थे जी मेरे बच्चे तो हवन के साथ खेलते हैं, आचमनी में पानी भर लेंगे और आचमन करते हैं, बोले वाक वाक कहते हवन हवन खेलेंगे, हवन हवन खेलेंगे। घर में हवन होता है तो बच्चे उस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। आप ना घर में संध्या करते हो, ना हवन करते हो, ना सुबह जगते हो, ना घर में वेद पाठ होता है, तो बच्चों को संस्कार कहां से मिले। इसलिए अपने घर के माहौल को जैसा बना दोगे बच्चे वैसे बन जाएंगे। याद रखना कहने का प्रभाव इतना नहीं होता जितना देखने का प्रभाव होता है। और ये केवल बच्चों को आप केवल टीच करते रहोगे, समझाते रहोगे, इससे समझने वाली बात नहीं है, उस काम को खुद करना शुरू कर दो। हम एक परिवार में गए, पति पत्नी अपने बच्चे को पकड़ के लाए, बोले गुरुजी आए, गुरुजी को धोख दे, गुरुजी को धोख दे, गुरुजी को धोख दे। वो कहता मैं तो नहीं देता। अब हमारा भी अपमान हो रहा है, बच्चा मना कर रहा होगा नहीं। आखिर उन्होंने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ करके बच्चा बढ़ाता है झुकाई। मुझे बड़ी दया आई, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, इस बच्चे पर अत्याचार क्यों कर रहे हो, इस पर जबरदस्ती क्यों करा रहे हो। कहते गुरुजी हम इसको आप पर धोख दिलाना चाहते हैं आपके लिए इसको। तो मैंने कहा ये धोख दिलाने का कौन सा तरीका भले याद है। बोले फिर कैसे करें, ये तो नहीं देता। मैंने कहा एक काम करो तुम दोनों सामने खड़े हो जाओ, मैंने बेटे इसका बेटे तू भी बीच में खड़ा हो जाओ और जैसे तेरे मम्मी पापा करें वैसे करना। कहता ठीक है। मैंने कहा अब तुम इसको धोख दीजिए, तुम मुझे धोख दीजिए बच्चे के सामने। उन दोनों पति पत्नी ने जैसे किया बच्चे ने भी वैसा कर दिया। मैंने कहा देखो ये तरीका है, तुम खुद धोख नहीं दे रहे, बच्चे से जबरदस्ती करा रहे हो तो बच्चा धोख देने वाला नहीं है। और मैंने कहा भैया तुम कह रहे बच्चे गुरुजी को धोख दे, गुरुजी को धोख दे, मैं तो सुनकर के डर गया। कहते जी इसमें डरने वाली कौन सी बात है, अरे हम तो आपको प्रणाम करने के लिए तो बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा तुम कहते हो गुरुजी को धोख दे, गुरुजी को धोख दे, गुरुजी को धोख दे, और बच्चा सुन ले दिया अगर गड़बड़ सुन ले और सुन ले ये गुरुजी को ठोक दे, गुरुजी को ठोक दे, गुरुजी को ठोक दे, तो मेरा तो काम खराब हो जाए। तो समझने वाली बात है, कहने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता। अच्छा समय खूब तेजी से हो गया, एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग थक गए मुझको सुनते सुनते, एक बार अपनी थकान को उतारने के लिए दोनों हाथ सभी ऊपर कीजिए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए, रगड़िए अच्छी तरह से दोनों हाथों को, माता बहने भी करो, थकान उतर जाएगी। और रगड़ करके धीरे से ला करके कानों पर लगा लीजिए, लगा लीजिए। हाँ जी कहां लगाया आप लोगों ने, कान पर लगाया, आंख पर लगाया, अरे बोलो तो सही कहां लगाया। और मैंने क्या बोला था, मैंने तो कान पर लगाने के लिए बोला, आंख को लगाने के लिए तो नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये कि कहने का प्रभाव नहीं है, देखने का प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा कानों पर लगाओ लेकिन मैंने खुद आंख पर लगाया तो आपने कानों पर नहीं लगाया, मेरे कहने का प्रभाव नहीं हुआ, देखने का प्रभाव हुआ। उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरी माताओं बहनों सज्जनों आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप वो काम खुद करना शुरू कर दो। देखो बच्चे स्वाभाविक उस प्रक्रिया को अपनाएंगे। घर का सात्विक माहौल बनाओ, घर में यज्ञ करो, संध्या करो, रात को बच्चों को लेकर के बैठो साथ में और उनको कोई ना कोई ये निर्णय कर लो कि हमको 15 मिनट अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूर देनी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सोचो बच्चे यदि बिगड़ेंगे तो कष्ट आपको होगा और बच्चे सुधरेंगे तो कष्ट आपको होगा। इसलिए आपका दायित्व है आप अपने दायित्व का ठीक प्रकार से ईमानदारी से पालन करें तो फिर इस धरती पर स्वर्ग उतर करके आ सकता है। लेकिन केवल बातें करते रहे हम, अपनी करनी कथनी में यदि भिन्नता होगी, एक रूपता नहीं होगी, आचरण में वो चीज नहीं आएंगी तो फिर समाज परिवर्तित नहीं हो सकता। हम कहते हैं हम बदलेंगे, जग बदलेगा, लेकिन हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है।
केवल कहते कहते कि हम बदलेंगे, न हम आज तक बदले, न जग बदला, न हम आज तक सुधरे, तो फिर संसार कैसे सुधरेगा। ये शुरुआत हमको अपने से करनी पड़ेगी। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप लोगों ने बात को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और कल का अंतिम सत्र और है, तीन सत्र चलते हैं दिन में, तो आप लोगों को यदि अनुकूलता हो तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर के आया करो। ये अच्छा अवसर है अपने बच्चों को संस्कार का पुट देने का, ये बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शांति।